हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी की सीज़न की सबसे कॉमन प्रॉब्लम, जिसे गमोरिया या हीट रेस कहा जाता है। तो गर्मी की सीज़न शुरू होते ही बच्चों में, साथ ही साथ बड़ों में भी गमोरिया होना बहुत ही कॉमन है। तो कुछ घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको अप्लाई करते आप घर पे 2-3 दिन में गमोरिया को ट्रीट कर सकते हो। एक लोशन के बारे में बताऊंगी, जिसके साथ आप गमोरिया को एक रात में ही ठीक कर सकते हो 90%। तो अगर आपने रात को ये लोशन लगाया तो सुबह तक 90% गमोरिया ठीक हो जाएगी। और कुछ प्रिवेंशन टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है, अगर आपको या फिर बच्चों को गमोरिया की प्रॉब्लम है तो भी। अगर आप नहीं चाहते कि आपको गमोरिया हो तो भी आपको ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। अगर आपको या फिर बच्चे को ऑलरेडी गमोरिया हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है, तो गमोरिया मोस्टली नेक एरिया में या फिर बैक एरिया में, ग्रोइन एरिया में या फिर हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस भी बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा पसीना होता है वहाँ पे गमोरिया होना बहुत कॉमन होता है। कुछ घरेलू नुस्खे के साथ आप गमोरिया को घर पे ठीक कर सकते हो, जिसमें नंबर 1 पे है नीम का पेस्ट लगा सकते हो आप। नीम में बहुत ही ज़्यादा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो नीम किसी भी प्रकार की अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है या फिर गमोरिया हुई है या फिर और कोई भी प्रॉब्लम स्किन के रिलेटेड है, तो नीम उसके लिए रामबाण इलाज है। तो नीम का पेस्ट आप बच्चों की बॉडी के ऊपर लगा सकते हो, बड़ों की बॉडी पे ऊपर भी लगा सकते हो अगर बड़ों को प्रॉब्लम है। साथ ही साथ नीम का जूस भी आप बच्चों को पिला सकते हो। अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है नीम का जूस पीने में तो उसको वो जल्दी ठीक हो जाएगी गमोरिया। और नीम का पेस्ट लगा दीजिए नहाने से 10 मिनट पहले, जब वो अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद एक ठंडे पानी से उसको शावर दे दीजिए, तो गमोरिया 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगी। अगर आपका बच्चा नीम के पेस्ट के साथ या फिर नीम के जूस के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप दही यूज़ कर सकते हो। दही को आप बच्चों की डाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, दही में भी बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, तो दही भी स्किन की इस प्रकार की प्रॉब्लम को ट्रीट करने बहुत हेल्पफुल होता है। तो दही को आप बच्चों की डाइट में भी ऐड करें, और बच्चा जब नहाने वाला होता है उससे 10 मिनट पहले आप दही को, ठंडे दही को बच्चों की बॉडी के ऊपर लगा सकते हो। दही बच्चों की बॉडी को इंस्टेंट कूल कर देगा और गमोरिया की वजह से जो इचिंग है उससे भी बच्चों को रिलीफ मिलेगी और गमोरिया भी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। दही के साथ अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी भी ट्राई कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी के अंदर भी बहुत ही कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो गुलाब जल ले लीजिए। गुलाब जल को ठंडा कर दीजिए थोड़ा फ्रिज में रख के, ताकि आपको या फिर बच्चे को ठंडक मिले। तो मुल्तानी मिट्टी के अंदर ठंडे गुलाब जल को मिक्स कर दीजिए और वो पेस्ट भी आप गमोरिया के ऊपर लगा सकते हो। बॉडी जो हीटअप हो चुकी होती है वो इंस्टेंट वो कूल डाउन हो जाएगी और इचिंग की प्रॉब्लम में भी रिलीफ मिलेगी और गमोरिया 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मुल्तानी मिट्टी के बाद आप बेसन का पेस्ट भी लगा सकते हो। बेसन के अंदर भी आप ठंडा गुलाब जल ऐड करके बॉडी के ऊपर लगा सकते हो, उससे भी गमोरिया ठीक हो जाती है। एंड एलोवेरा जेल भी स्किन की कोई भी प्रकार की अगर आपको या फिर बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो ट्रीट करने में एलोवेरा जेल बहुत ही यूज़फुल होता है। तो एलोवेरा जेल भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी गमोरिया आपको लगे, जो छोटे छोटे दाने होते हैं और बच्चे को अगर इचिंग हो रही है तो उस एरिया में आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। उस प्लांट का एलोवेरा जेल बेस्ट होगा अगर आप गमोरिया के ऊपर लगा सकते हो तो। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा नहीं है तो पतंजलि वाले जो मार्केट में मिलते हैं वो एलोवेरा जेल भी काम करता है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एलोवेरा जेल से भी 2-3 दिन में ही गमोरिया ठीक हो जाती है। तो ये सारी होम रेमेडीज़ एक साथ में आपको नहीं अप्लाई करनी, इनमें से कोई भी एक या दो आप ट्राई कर सकते हो, ज़रूर इससे 2-3 दिन में गमोरिया ठीक हो जाएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ लोशन के बारे में। तो जिस लोशन की मैं बात कर रही थी वो है कैलामाइन लोशन, लैक्टोकैलामाइन
मैंने यूज़ किया है मेरी बेटी के ऊपर। मेरी बेटी की उम्र 9 साल की है, तो पिछले साल भी उसे गर्मी की सीज़न में गमोरिया की प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, तो लैक्टोकैलामिन ने हमें गमोरिया में रिलीफ देने में बहुत हेल्प की है। गमोरिया के ऊपर आप रात को लैक्टोकैलामिन लोशन लगा सकते हो, तो उस लोशन से भी सारी गमोरिया 90% ऑलमोस्ट 90% ठीक हो जाती है एक ही रात में। उसके बाद आप फिर से रिपीट कीजिए, सुबह भी आप नहाने के बाद इलेक्ट्रोकेलामाइन लोशन अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी गमोरिया को ट्रीट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। लोशन के बाद अभी हम बात करते हैं कुछ प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। तो अगर आपको या फिर बच्ची को गमोरिया की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो आपको चेंज करना पड़ेगा आपके कपड़ों का। अगर आप बहुत ही टाइट कपड़े पहनाते हो बच्चों को, तो बच्चे को गमोरिया कभी भी ठीक नहीं होगी। आप जितना चाहे इलेक्ट्रोकोलामाइन लोशन लगा लो, या फिर जितनी चाहे आप घरेलू नुस्खे ट्राई कर लो। आपको ज़रूरत है बच्चे को खुले कपड़े पहनाने की, सूती कपड़े, जितने भी पतले से पतले आप कपड़े बच्चों को पहना सकते हो तो वो बेस्ट है। या फिर घर पे थोड़ा टाइम आप बच्चे को बिना कपड़ा भी रख सकते हो, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गमोरिया की प्रॉब्लम है तो। अगर आपने सूती कपड़े उसे पहना है, तो वो पसीना एब्जॉर्ब हो जाएगा और गमोरिया के ऊपर उसको और ज़्यादा इचिंग नहीं होगी। तो सूती कपड़े ही पहनाने हैं आपको पूरे समर सीज़न में। उसको कम से कम कपड़े पहनाए, उसको हवा में खुला छोड़िए जितना भी आप कर सके। अगर बच्चे को गमोरिया की प्रॉब्लम है, तो दिन में एटलीस्ट 2-3 आवर्स उसे एसी में, कूलर में ज़रूर रखिए। बिना फैन के बच्चे को नहीं रखना चाहिए अगर गमोरिया की प्रॉब्लम है तो। ठंडक वाली जगह पे रखिए बच्चे को, ताकि उसे इरिटेशन ना हो। दिन का ये जो 12 से 3 का टाइम है, जिस समय गर्मी उसके पीक पे होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस टाइम बच्चे को बाहर ना जाने दे, अवॉइड कीजिए बच्चे को बाहर ले जाना। बच्चे को एटलीस्ट 2 बार ज़रूर ठंडे पानी से नहलाइए। नहाने के पानी में डेटॉल भी मिक्स कर सकते हो आप, तो उससे भी रिलीफ मिलता है वो इचिंग में या फिर गमोरिया को ठीक होने में। तो 2 बार एटलीस्ट उसे नहलाइए। एंड अगर बच्चा कई बार बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर आप आइस पैक को भी ट्राई कर सकते हो। बर्फ़ को ले लीजिए कोई नैपकिन के अंदर, और उसे जहाँ पे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाइए, ताकि इचिंग में बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ मिले। बच्चों की बॉडी इंस्टेंट ठंडी हो जाए और उसे ज़्यादा इचिंग ना हो, और इंस्टेंटली उसे नहला भी सकते हो अगर वो बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहा है तो। एंड बाहर गर्मी के सीज़न में बार बार जाना अवॉइड करें, बच्चे को ले जाना अवॉइड करें, ताकि गमोरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ ना जाए। बच्चे को धूल मिट्टी में ज़्यादा खेलने ना दे अगर उसे गमोरिया है तो। उस समय आप बाहर ले जा सकते हो जब थोड़ी ठंडक हो चुकी होती है, शाम को 6 बजे के बाद, तो गमोरिया ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। एंड बच्चे को बार बार पसीना ना हो, ये केयर आपको ज़रूर केयर करनी चाहिए। तो अगर बच्चा फ़ैन के नीचे, एसी के सामने, कूलर में रहता है, तो उसे ज़्यादा पसीना नहीं होगा। अगर उसे पसीना बहुत ज़्यादा नहीं होगा, अगर उसकी बॉडी ज़्यादा हीटअप नहीं हो जाएगी, तो गमोरिया भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी, या फिर अगर नहीं है तो गमोरिया होगी ही नहीं। एंड बच्चे की डाइट का भी ज़रूर ध्यान दें। बच्चों की डाइट में ऐसे फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करें जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, तो वाटरमेलन बच्चे को दीजिए, या फिर नारियल पानी भी ज़रूर बच्चे को पिलाइए अगर बच्चा बड़ा है। पानी भी बच्चे को बार बार याद दिलाते रहे कि उसे पानी पीना है। अगर बच्चा कम पानी पीता है तो भी उसे गमोरिया होता रहेगा, तो बच्चा कितनी बार पानी पीता है वो भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। उसे बार बार पानी पीना याद दिलाते रहे, ताकि अगर उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, उसकी बॉडी ठंडी रहेगी, तो उसे गमोरिया की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड अगर आप बच्चों को ऑयल मसाज कर रहे हो, तो कुछ टाइम तक वो ऑयल मसाज बंद कर दीजिए, क्योंकि स्वेट ग्लैंड के बंद होने से गमोरिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऑयल मसाज आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अगर आप कोई लोशन ऐसा लगा रहे हो जिसमें जो ऑयल बेस हो, तो वो भी लोशन आप स्विच कर दीजिए, कोई दूसरा ट्राई करिए जिसमें वाटर बेस लोशन हो। तो ये सारी टिप्स भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप बच्चों में गमोरिया को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हो। तो सिर्फ घरेलू नुस्खे नहीं ट्रीट कर पाएंगे अगर आप बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, बच्चे को ठंडी जगह पे नहीं रखते, बच्चे के पानी का ध्यान नहीं रखते। तो ये सारी बातों को भी आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। इस वीडियो को आप दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।